सोनभद्र में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। वहीं लॉकडाउन व प्रबंधक के तौर पर सोनभद्र उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। वहीं अभी तक जिले में कहीं कोरोना का मरीज नहीं मिलने से प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों की तारीफ भी की है। यहां एक तरफ जिले के आला अधिकारी लॉकडाउन के साथ साथ सोनभद्र के 625 गांव में सैनिटाइज करा रहे हैं, वहीं देश के जाबाज सिपाही भी आगे आकर औद्योगिक क्षेत्रों में सैनिटाइज कर रहे हैं। इसी कड़ी में ओबरा CISF कर्मियों ने सैनिटाइज करने का अभियान छेड़ रखा है। CISF के जवानों ने ओबरा के तापीय विद्युत परियोजना के मुख्य महाप्रबंधक RP सक्सेना व सहायक कमांडेंट RP सिंह, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के नेतृत्व में सभी बैंकों, अस्पताल, ओबरा थाना समेत आवासों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। CISF के फायर विंग की गाड़ी के फायर कर्मियों द्वारा आम जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की परवाह ना कर सैनिटाइज का काम कर रहे हैं। वहीं तापी परियोजना के अधीक्षण अभियंता राजीव कुमार ने बताया कि ओबरा परियोजना क्षेत्र के हर सेक्टर, हॉस्पिटल, बैंक व थाने को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया गया है और लगातार ये कार्यक्रम चलता रहेगा जिसमें हम आप सब सुरक्षित रह सके। साथ ही हमारा कर्तव्य बनता है कि अपने घरों की साफ सफाई रखें और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए अपने घरों में रहें। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। सोनभद्र से संवाददाता पंकज सिंह की रिपोर्ट। जी हाँ, पूरे विश्व में कोविड की महामारी को देखते हुए ओबरा प्रबंधन ने ये निर्णय लिया है कि पूरे कॉलोनी परिसर में, कार्यालयों में और जितने भी नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग है वहाँ पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जाए। सैनिटाइजेशन का कार्य मानकों के अनुसार कराया जा रहा है, जैसा कि भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1% सोल्यूशन के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके लिए समस्या ये आ रही थी कि छिड़काव कैसे किया जाए, तो हमारे CISF के जो फायर विंग है उनका जो फायर टेंडर है उसमें व्यवस्था थी और एक मल्टी फायर सिस्टम लगा हुआ था जिसके माध्यम से, और इनकी टैंक की कैपेसिटी लगभग 5000 लीटर है और उसमें 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन घोलकर आज से प्रारंभ किया गया है सैनिटाइजेशन, और ये लगातार चलता रहेगा। सभी सेक्टरों को इसमें सम्मिलित किया गया है और साथ में बैंक इत्यादि और जितने भी पब्लिक हॉस्पिटल भी है सभी सम्मिलित हैं और ये लगातार चलता रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।